Hi, welcome back to Health in 100, जहां आज हमारा episode dedicated है हमारे soldiers को। एक किस्सा मुझे याद आता है, हम कुल्लू से लेह के लिए travel कर रहे थे, by road जा रहे थे और अचानक ऐसा हुआ कि काफी बर्फ गिर गई and the roads were stopped। तो कौन आया हमारी मदद के लिए? आर्मी और बीएसएफ के जवान। तो ये डेडिकेटेड है आज उन आर्मी और बीएसएफ के जवानों को जो हैं पोजीशन्ड डिफिकल्ट सिचुएशंस में, जैसे कि सियाचिन, लेह और लद्दाख में। वहीं से लेके आई हूँ एक डिश में जो मैंने वहीं सीखी थी एक छोटे से रेस्टोरेंट में। तो आई एम मेकिंग टिंगमो, जो है वहाँ की एक स्टीम्ड ब्रेड और उसी के साथ साथ एक चिकन शाप्ता, दैट इज अ सूप। There are certain memories of food that just stay in your mind. One of them is Shapta Tingmo. I first came across this dish in a small restaurant in Ladakh, where there were a few army jawans relishing this. Tingmo ek bahut hi soft, tender aur spongy Tibetan bread hai, aur agar ise Shapta ke saath khaya jaye, to maza dugna ho jata hai. Shapta is a very simple stir fry with ginger, chili, capsicum and some stock. Plus, it is very healthy and trust me, आप मोमोज और थुकपा से शाप्ता टिंगमो के फैन हो जाएंगे and it will still be within your budget of 100. इस ब्रेड के बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी। तो ये पानी बस इतना गुनगुना होना चाहिए कि अगर मैं इसमें फिंगर डालूं तो मेरी फिंगर जो है वो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है। और अब इस पानी में हम मिलाएंगे चीनी और साथ में डालूंगी मैं ये ईस्ट, ये ड्राइड एक्टिव ईस्ट है, इसे मिक्स कर लेते हैं। तो चीनी, पानी और सही टेम्परेचर मिलके हेल्प करेगा इस ईस्ट को राइज करने के लिए। और 10-15 मिनट के लिए आप इसे साइड में छोड़ दीजिए अनडिस्टर्ब, ठीक वैसे ही जैसे जब आप दही जमाते हैं तो दही को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं क्योंकि दही फिर ठीक से जमेगी नहीं। इसी तरह से व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्टिवेट ईस्ट, प्लीज़ उसे साइड में रख दीजिए अनडिस्टर्ब सो दैट द ईस्ट कैन एक्टिवेट। ये देखिए ये ईस्ट हो गई है फर्मेंट, अच्छे से इसमें बबल्स आ गए हैं, ये कैसे राइस हो गई है, फ्रॉथी हो गई है। तो चलिए अब हम अपनी ब्रेड की तैयारी करते हैं। एक बोल में लेते हैं मैदा, ये एक कप मैदा मैंने थोड़ा सा रिजर्व कर लिया है और इस मैदे में डालेंगे हम आधा छोटा चम्मच नमक। ये नमक ज़रूरी है दो चीज़ों के लिए, एक तो टेस्ट और फ्लेवर के लिए और साथ ही साथ में ज़रूरी है ये ओवर फर्मेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए या क्विक फर्मेंटेशन प्रिवेंट करने के लिए। इसमें इसे ऐड कर दीजिए और अब हम इसका एक स्मूथ सा डो बना लेते हैं। स्टार्ट बाय मेकिंग अ वेट डो एंड धीरे धीरे फिर हम उसमें मिलाते जाएंगे सूखा मैदा। जब आपके पास एक स्मूथ सॉफ्ट डो रेडी हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम एक चम्मच तेल और थोड़ा सा इसे और गूंदेंगे ताकि ऑयल इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। फिर एक गर्म जगह में इसे रख देंगे हम तकरीबन एक घंटे के लिए राइस करने के लिए, जब तक ये साइज में फूल करके डबल नहीं हो जाता। इस पूरे ऑयल को इसके अंदर नीट कर लीजिए। माय डो इज़ रेडी। इसे जब मैं फिंगर से पोक करूँगी इट विल नॉट स्प्रिंग बैक, हॉलो हो जाएगा। तो इसे अब हल्का सा हम नॉक कर देते हैं ताकि इसके अंदर जो हवा भरी है वो बैठ जाए। और अब लेट मी टेक इट आउट ओवर हियर। और इसे रोल आउट कर लेते हैं हम एक रोप की तरीके से और कॉइल कर लेंगे। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे डबल राइस करने के लिए और फिर एक स्टीमर में हम इसे स्टीम कर लेंगे। स्टीमर की प्लेट को नीचे से ग्रीस कर लेंगे और यहाँ स्टीमर में मैं भर लेती हूँ पानी। तो चलिए जब तक हमारी ब्रेड स्टीम होती है हम अपना सूप तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन में लेते हैं हम थोड़ा सा ऑयल और जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा मेरे पास यहाँ ये बोनलेस चिकन है, इस चिकन को मैं ऑयल में सियर करके थोड़ा सा अच्छे से कलर करके निकाल लूँगी। बट फॉर दैट आई नीड टू इंश्योर दैट माई पैन इज वेरी वेरी हॉट। इसे हाई हीट पर हम अच्छे से कलर कर लेंगे। जब ये एक साइड से कलर हो जाएगा तब हम इसे टर्न करेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से कलर हो जाए। रिटर्न द पैन और अब फिर थोड़ा सा ऑयल हम इस पैन में लेते हैं और अब इस पैन में
जो ऑलरेडी बहुत गर्म है, मैं डालती हूँ ये फाइन चॉप किया हुआ अनियन, इसके साथ कुछ फाइन चॉप किया हुआ जिंजर एंड फाइन चॉप टमेटोज एज वेल। इनको सौते कर लीजिए। हम इसे थोड़ा सौते कर लेंगे कि ये जो रॉ स्मेल्स हैं वो नहीं आनी चाहिए हमारे पास। अब इसमें डालेंगे कुछ फाइन चॉप किया हुआ ग्रीन चिली, इसके साथ साथ ये स्प्रिंग अनियंस एंड अलोंग विद दैट मेरे पास है यहाँ पर कुछ कटे हुए पेपर्स, तो ये पेपर्स भी डालते हैं। तो जब ये ग्रीन चिलीज भी फ्रेग्रेंट हो जाएंगे, आई एम गोइंग टू ऐड टू दिस थोड़ा सा सोया सॉस। ये मेरे पास चिकन स्टॉक है, तो ये चिकन स्टॉक, रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा पेपर पाउडर भी, यानी कि हमने इसमें हरा मिर्च भी डाला है, रेड चिली फ्लेक्स भी डाले हैं, पेपर पाउडर भी डाला है, सिर्फ इसलिए कि सर्दियों में भी आ जाए आपको एक अंदर से गर्मी का एहसास। अब इसे हम कुक कर लेंगे जब तक ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं होने लग जाती और जो स्टॉक है वो थोड़ा रिड्यूस नहीं हो जाता। सो माई सूप इज़ ब्यूटिफुली फ्लेवर्ड। और अब इसमें ये जो चिकन के पीसेस मैंने रखे हैं, आई लाइक दीज। चिकन ऐड करने के बाद इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम और पका लेते हैं। लेट मी क्विकली क्रॉस चेक माई ब्रेड एज वेल। तो ब्रेड भी तैयार हो गई है और हमारा चिकन सूप यानी कि चिकन साप्ता भी तैयार हो गया है। टाइम टू टेक इट आउट। ये चिकन साप्ता और टेंगो मेरी तरफ से उन सोल्जर्स के लिए एक छोटा सा डेडिकेशन है जो सियाचिन और ले जैसे डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। आई होप आप इसे घर में जरूर ट्राई करेंगे और इन्हें डेडिकेट करेंगे हमारे उन्हीं सोल्जर्स के नाम। देखिए रिकैप टू लर्न हाउ टू मेक दिस एट होम। और याद रखिएगा, हर चीज यहाँ हमने बनाई है 100 रुपए के अंदर। आफ्टर ऑल हंड्रेड इज सो कूल। थिंक मो बनाने की विधि। थिंक मो बनाने के लिए बोल में डालें गर्म पानी, शक्कर और यीस्ट डालकर यीस्ट को 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने दें। बोल में मैदा, नमक, एक्टिवेटेड यीस्ट और पानी डालकर बीच बीच में सूखा मैदा डालें और स्मूथ डो बनाएं। फिर डालें तेल और डो को 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रख दें। डो को फिर से नॉक डाउन करके 3 इक्वल हिस्सों में बांट लें। एक हिस्से को सिलिंड्रिकल रोल करके कर्ल करके बन का शेप दें। थिंक मो को स्टीम में पकाएं। चिकन साप्ता बनाने के लिए पैन में चिकन पीसेस को सिया करके निकाल लें। सेम पैन में तेल गरम करके डालें चॉप्ड अनियंस, चॉप्ड अदरक, चॉप्ड टमाटर और सौटे करें। फिर डालें हरी मिर्च, चॉप्ड हरा प्याज, चॉप्ड बेल पेपर्स, सोय सॉस, चिकन स्टॉक और साप्ता को बॉईल होने दें। आखिर में डालें चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर। सूप को रिड्यूस होने तक पकाएं, फिर डालें सियर्ड चिकन और साप्ता को अच्छे से मिक्स कर लें। गर्मा गर्म स्टीम्ड थिंग मो को साप्ता के साथ सर्व करें। Health in 100.